अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेके आया हूँ, आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, काशीपुर सोराई स्टेशन आजमगढ़। ये कॉलेज आजमगढ़ में स्थित है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके हम एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे, कहाँ क्या सब कुछ होता है, कैसा बिल्डिंग है, फैसिलिटी क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, हॉस्पिटल है, कोर्स कौन कौन से, स्टूडेंट गैलरी, ओपीडी, परमिशन, सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग से लेकर के और कॉलेज तक की पूरी डिटेल रहती है हमारे चैनल पर, NCISM की न्यूज भी रहती है। इसलिए अब हम देखते हैं आगे। देखो ये कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। ये बिल्डिंग बन रही है, बनी बनाई है, और ये देखो लैब है यहाँ की, आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आजमगढ़, वाइस चांसलर प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, ये इसकी वाइस चांसलर हैं, इनकी मेल आईडी भी है ना। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार की, मिस्टर सुजीत कुमार जायसवाल, ये इसके रजिस्ट्रार हैं, इनका मोबाइल हो टेलीफोन नंबर भी है। चेयरमैन साहब हैं यहाँ के डॉक्टर पीपी यादव, चेयरमैन जी हैं, चेयरमैन साहब का मोबाइल नंबर भी है। प्रोफेसर प्रेम प्रकाश यादव, इनका मोबाइल नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। कॉलेज की एडमिशन लेना है तो कॉल कर सकते हैं, विजिट करना है तो भी कॉल कर सकते हैं। और प्रिंसिपल साहब का हम आपको वो दिखाई देते हैं, आदित्य कुमार सिंह प्रिंसिपल साहब हैं, सन 1976 में जन्मे। इनका टीचर कोड AYST00598 है, मोबाइल नंबर 9491478865 है। इनका ईमेल आईडी भी दी हुई है और CCIM न्यू दिल्ली, अब CCIM का नाम बदल करके NCISM रख दिया गया है। ये पूरा अब एक आयोग बन गया है जो BMS के हर कोर्स को कंडक्ट करता है, UGPG के, मिनिस्ट्री और वाइस गवर्नमेंट ऑफ UP गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है। अब हम बात करेंगे और अंदर जाके हॉस्पिटल देख लेते हैं। हमने होम देख लिया, अवार्ड के बारे में जान लिया, फैसिलिटी देख ली, सब कुछ है कॉलेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग देख ली। हॉस्पिटल के बारे में आते हैं, हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करते हैं। प्रोवाइडिंग द हॉस्पिटल डेवलपमेंट द स्टूडेंट आरके आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कम प्राइस हाईली क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस फैसिलिटी, मतलब यहाँ कह रहे हैं हाईली क्वालिटी का हमारे यहाँ इलाज होता है, एक्सपीरियंस अच्छी खासी हमारे यहाँ फैकल्टी है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले में किसकी है, हॉस्पिटल के बाद कोर्स में कोर्स ऑफ द स्टडी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी BAMS, ड्यूरेशन 4.5 साल व प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप है। इसके लिए एलिजिबिलिटी सबको पता रहती है, नीट दे ले तो उसके बाद ही इसमें एडमिशन होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% होना चाहिए, PCBA कंपलसरी है, 12th एग्जामिनर पास होना चाहिए ना, और PCBA होना चाहिए, क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन डिसाइडेड द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वाई काउंसलिंग कंडक्ट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% उत्तर प्रदेश स्टूडेंट कोटा। वीर बहादुर सिंह भी हाँ, इसका ये चीज़ मेन है यहाँ पर, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से इसका कनेक्शन है, तो इसका कनेक्शन है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश, जो सन वो बी इसका बैच है ना 2021, यहाँ तक के इससे पहले पुराने बैच हैं वो सब इसी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट थे। अब जो 21-22 का जो बैच आएगा या आया है अभी, वो सारे के सारे बैच गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आयुष विश्वविद्यालय से कनेक्टन हो गए उत्तर प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज के, इसी के ही नहीं। अब कोर्स की फ़ीस बताता हूँ, एज पर रूल ऑफ CCIM मतलब NCISM न्यू दिल्ली UP गवर्नमेंट, कोर्स फीस है इस वेबसाइट के अनुसार 2,04,600, लेकिन और ये काउंसलिंग के टाइम पे फीस चेंज भी होती है, जब आपको एडमिशन लेना हो तब हर कॉलेज की फ़ीस चेंज होती है, उसी समय देखी जाएगी फ़ीस कितनी फ़ीस वेबसाइट पर आई है, तो वही फीस कॉलेज वसूल करता है, इन्होंने डाल रखी है सही है, एक एवरेज आइडिया तो दे रखा है। एग्जामिनेशन फीस
डिसाइडेड वीर बहादुर यूनिवर्सिटी, मतलब एग्जामिनेशन फीस यूनिवर्सिटी जितनी कहेगा उतना लिया जाएगा। रेजिडेंशल एंड मैस चार्ज, मतलब हॉस्टल मैस चार्ज, मतलब आपका हॉस्टल इंक्लूड है 60,000 रुपये हॉस्टल के अलग लगेंगे, ये फीस में इंक्लूड नहीं होते हैं, फीस अलग होती है, हॉस्टल चार्ज अलग होता है। हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हो तो 60,000 रुपये दोगे, नहीं ज्वाइन करना चाहते तो बाहर रहो, रूम खरीद के रूम ले के रहो। और इस भी सीट हैं 60 सीट हैं कॉलेज में। एडमिट कार्ड, फर्नीट, एग्जामिनेशन काउंसिल लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC चाहिए इनको एडमिशन के लिए, बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए। इस कॉलेज का वेबसाइट पर अच्छा खासा डिटेल पड़ा हुआ है, तो इसमें सब हमको जानकारी मिल गई है। काफ़ी अच्छा कॉलेज लग रहा है, बिल्डिंग अच्छी है इसकी। अब मैं देखता हूँ आगे और इसमें क्या क्या है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, अभी प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल की डिटेल इस कॉलेज की वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं है, जैसे ही आ जाएगा वीडियो दोबारा अच्छे से बना दूंगा, लेकिन बाकी बहुत अच्छा वीडियो बना है ये वाला। और कॉलेज ठीक है, आजमगढ़ का है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आजमगढ़ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा एरिया है, लेकिन फिर भी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल का अच्छा ही होगा इसका। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है ना। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल 24 घंटे, क्या लिख के दे रहे हैं ये, 24 घंटे अवेलेबिलिटी, क्लीनिंग स्टाफ, मतलब साफ़ सफाई अच्छी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिंग है 156 इन मीटर स्क्वायर। सेंट्रल लाइब्रेरी, इस कॉलेज में लाइब्रेरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, टोटल एरिया ऑफ लेक्चरर हॉल भी है, और टीचिंग फार्मेसी क्वालिटी टेंडिंग लेबोरेटरी कैंटीन भी है, आयुर्वेदिक सहायता रचना शरीर टीचिंग, मतलब ये दिखा रहे हैं टीचिंग डिटेल, टीचरों की इसमें डिटेल दिखाई गई है। आयुर्वेदिक सहायता की टीचर हैं, रचना शरीर के, क्रिया शरीर के, द्रव्य गुण के हैं, रसशास्त्र के हैं, रोग निदान के हैं, स्वस्थ व्रत के हैं, अगत तंत्र के हैं, कैच कत्सा के हैं, पंचकर्मा के हैं, सालक के तंत्र के हैं और शल्य तंत्र के हैं, सालक के तंत्र के हैं, प्रसूत एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, कौमार्य व्रत हैं, ये सभी डिपार्टमेंट हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के यहाँ टीचर अवेलेबल हैं। अब देखते हैं डिटेल बुक, नंबर ऑफ बुक। आयुर्वेद की इस कॉलेज में 7,357 बुक हैं। मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड बुक 151 है। मेडिकल जर्नलिज्म 3 बुक हैं, अदर 0 है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 7,511। बहुत अच्छा डिटेल है, इतना तो कोई कॉलेज डिटेल डाल के देता ही नहीं है लाइब्रेरी का। बॉयज़ के लिए हॉस्टल का रूम है 38, इसमें कैपेसिटी है 76 बच्चे रह सकते हैं, और गर्ल्स के लिए 18 रूम है, तो 18 दूनी 36 एक रूम में 2 लड़कियां यहाँ रखते हैं ये लोग। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हाउ टू मैनी व्हीकल 2 हैं। स्पोर्ट गेम फैसिलिटी भी है, हर्बल गार्डन भी है इन कॉलेज का, और डिटेल ऑफ टीचिंग फार्मेसी सब कुछ है इस कॉलेज में। ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, चलिए अगली वीडियो किसी नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।